Good morning, students. Hope you all are good. Today we are going to learn a very important topic of English, tense. आज हम tense के बारे में पढ़ेंगे. Tense के total तीन प्रकार होते हैं. पहला है present tense, दूसरा है past tense, तीसरा है future tense. और इन सभी के भी चार प्रकार होते हैं, जिसमें कि पहला है simple tense, continuous tense, perfect tense और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. उसके पहले हम प्रोनाउन को देख लेंगे. प्रोनाउन में इस प्रकार से होता है, पहले तो पर्सन हम देख चुके हैं तीन प्रकार के होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल इस प्रकार से होता है. तो जैसे पहला है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन यानी कि हम, जिसके हम खुद के बारे में जो बोलते हैं, यानी कि आई. तो आई हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन. अब इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं एक पर्सन हूँ तो खुद के लिए मैं आई यूज़ करती हूँ. लेकिन अगर हम एक से अधिक हो जाते हैं, दो या चार लोग हो जाते हैं, तो हम सभी को अगर साथ में बोलना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ करते हैं. फिर सेकेंड पर्सन है यू. किसी भी दूसरे व्यक्ति को संबोधित करने के लिए हम बोलते हैं यू, कि हाँ सामने वाला व्यक्ति, उसको हम यू बोलते हैं. तो अगर सिंगुलर है तो भी यू आएगा. फिर आपने देखा ये प्लूरल में भी यू दिया है, हाँ प्लूरल में भी यू आएगा. अगर एक व्यक्ति है तो भी हमें यू यूज़ करना है सामने वाले पर्सन के लिए, अगर हम बोल रहे हैं तो. और एक से अधिक हैं तो भी हमें यू यूज़ करना है. फिर आगे आता है थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन यानी मैं नहीं, आप नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति. तीसरा व्यक्ति, उसे कहेंगे हम थर्ड पर्सन, यानी कि ही, शी, इट. आप सभी को पता है ही हम किसके लिए यूज़ करते हैं. ही हम और लड़कों के लिए, मेल वर्ग के लिए यूज़ करते हैं. सी फीमेल वर्ग के लिए यूज़ करते हैं. और इट प्राणियों के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज़ होता है. ठीक है, तो ही शी इट हो गया हमारा सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर. उसी प्रकार प्लूरल में आएगा दे. अगर एक से अधिक व्यक्ति है, कोई भी, अगर एक से अधिक मेल है तो हम उसके लिए दे यूज़ करेंगे. एक से अधिक फीमेल है तो उसके लिए हम दे यूज़ करेंगे. एक से अधिक प्राणी है अथवा निर्जीव चीज़ों के बारे में बात की जा रही है तो भी हम क्या यूज़ करेंगे, दे का उपयोग करेंगे. ओके, अब देखा हमने, मैंने जैसे कि बोला था कि इसके भी चार प्रकार होते हैं. तो ये रहे चार प्रकार. तो उसमें पहला क्या है, सिंपल. सिंपल को हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं, यानी कि कुछ निश्चित नहीं होता है, क्योंकि टेंस किसके ऊपर बेस होता है, समय के बारे में ही बताता है. टेंस यानी काल, यानी कि समय. फिर दूसरा है कंटिन्यूस. कंटिन्यूस यानी कि जो क्रिया लगातार चल रही होती है उसके लिए हम कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करते हैं. फिर है परफेक्ट टेंस. परफेक्ट यानी कि जो क्रिया बस जस्ट अभी कंप्लीट हुई होती है, अभी ही पूरी हुई होती है, उसे हम परफेक्ट में लेते हैं. फिर आगे है फोर्थ. अब ये फोर्थ में आप देखोगे परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों मिक्सिंग है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, तो इसमें कन्फ्यूज़न होगा. परफेक्ट मतलब कि जो क्रिया कंप्लीट हुई होती है उसके लिए हम परफेक्ट यूज़ करते हैं. लेकिन अगर जब परफेक्ट और कंटिन्यूस है तो, यानी इसका मतलब कि कोई क्रिया भूतकाल से चल रही है, पहले से ही चल रही थी क्रिया, और वो क्रिया अभी भी चल रही है और उस कंप्लीट हो रही है, चल रही है, कंप्लीट हो रही है, चल रही, उस प्रकार का कुछ इसमें बोध होता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस का पहला कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो आज हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखेंगे. ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस. उसमें भी हम देखेंगे तीन प्रकार के हमारे सेंटेंसेस होते हैं. एक तो अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव. अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अथवा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस डू अथवा डज. यहाँ पे इसका टाइम वर्ड है डू अथवा डज. सिंपल प्रेजेंट टेंस का टाइम वर्ड क्या है, डू अथवा डज, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को. प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तीसरा है इंट्रोगेटिव, यानी कि जो हम प्रश्नार्थ वाक्य बोलते हैं वो. प्रश्नार्थ वाक्य में क्या आता है, डू अथवा डज जो हमारा टाइम वर्ड है वो आगे आ जाता है, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क. ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क लगाओगे तभी तो पता चलेगा ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. ओके,
अब सिंपल, अभी हमने यहाँ पर देखा कि सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अथवा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ई एस है, तो ये कन्फ्यूजन होगा कि हम एस अथवा ई एस कब लगाएं और कब ना लगाएं। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका एक रूल है, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि हमने जो प्रोनाउन में देखा था थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, ही शी इट, यानी कि जब ही शी इट दिखाई दे तब क्या लगाएंगे हम, तब हम क्रिया में एस अथवा ई एस लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं, मैं आपको पूरा एक ही सेंटेंस में ये सारे प्रोनाउन का यूज़ करके बताती हूँ। जैसे कि पहला है ए मीन्स के अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके लिए मैंने लिखा है आई प्ले क्रिकेट, आई का यूज़ हुआ, आई प्ले क्रिकेट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। फिर दूसरा है वी प्ले क्रिकेट, वी का यूज़ किया हमने यहाँ पर, तो वी प्ले क्रिकेट यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिर सेकेंड पर्सन पर आते हैं, यू लेते हैं, यू प्ले क्रिकेट, सेम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई है। फिर प्लूरल में देखो, प्लूरल में भी यू है, सेम ही आएगा, यू प्ले क्रिकेट। उसके बाद है ही शी इट का यूज़ कर रहे हैं, अब देखो थर्ड पर्सन आ रहा है तो ही प्लेज क्रिकेट यहाँ पर आ गया एस, शी प्लेज क्रिकेट। अब इट, इट तो हमें निर्जीव वस्तु अथवा प्राणी के लिए यूज़ करना है, तो यहाँ पर हमें सेंटेंस दूसरा लेना पड़ेगा, तो इट ड्रिंक्स वाटर। अब यहाँ पर इट मैंने किसके लिए यूज़ किया, एलिफेंट के लिए यूज़ किया है। ओके, इट ड्रिंक्स वाटर। उसके बाद देखो प्रोनाउन का हम थर्ड पर्सन प्लूरल देखेंगे तो उसमें क्या है, दे, तो यहाँ पर भी हम दे लगाएंगे, दे प्ले क्रिकेट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देख लेंगे, अगर आप लोग को कन्फ्यूजन होता है कि सब्जेक्ट ये वी क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैंने यहाँ पर नीचे दिया हुआ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता यानी कि जो भी हम आई मी आई वी यू यू ही शी इट दे ये सब जो भी यूज़ करते हैं ये हमारा क्या हो जाता है, कर्ता हो जाता है। फिर वर्ब यानी कि क्रिया, जो भी क्रिया की जाती है, जो भी क्रिया की जाती है, जैसे कि यहाँ पे प्ले, प्ले क्या है, खेलना, खेलना यानी क्या हो गया, क्रिया, तो ये हमारा वर्ब यानी कि क्रिया। फिर है आगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, जो भी काम किया जाता है वो कर्म हो जाता है। ओके, आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा, और जो अगर नहीं समझ में आता तो एक बार फिर से आप वीडियो को पॉज, फिर से आप रिपीट करके देख लेना। ओके, थैंक यू।